नमस्कार किशोदा। नमस्कार, कैसे हैं? कैसे नमस्कार। हैं आप? अच्छा, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत दिन के बाद आपसे देख रहा हूँ, आप हाँ याद आ बिल्कुल। मैं अभी अपने व्यूअर्स को यही बता रहा था कि देयर वाज अ टाइम जब हम लोग एलपीयू में थे इन पंजाब, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। वी वर देयर एज फैकल्टीज। जो एटमॉस्फियर था, वो हम लोग जो क्रिएट किया था, तो वो बहुत ही अच्छा था। वो मैं आपको सर तो नहीं बोलूंगा, मैं यू आर लाइक माय एल्डर ब्रदर, तो मैं आपको हमेशा किशोर दा बोलूंगा। और हाँ, इतना तो डिजर्व करता हूं मैं, इतना राइट रखता हूं मैं आपसे। तो वही एक्चुअली वही रहना चाहिए। चलिए किशोर दा, लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आप प्लीज दर्शकों को बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, वेयर एग्जैक्टली आर यू फ्रॉम? मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ, वेस्ट बंगाल। और मैं 2006 में इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग लिया था। तब टून्स जो था ना, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ टाई अप करके 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स चला रहा था, एनिमेशन और 3D एनिमेशन, 2D एनिमेशन के ऊपर। आफ्टर इमीडिएटली आई ज्वाइन दैट DQ इन हैदराबाद, अच्छा, हैदराबाद। थ्री डी मॉडलर। ओके एक्चुअली उस टाइम में मुझे और एक जॉब मिला था, चंदू सर था तब इसमें लक्ष्य डिजिटल में। वो तब मैं कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए मुझे टेस्ट दिया था, बहुत सारा टेस्ट और ड्राइंग और मॉडलिंग दिया था जो मैं हम लोग किया था। तो उधर वही 43 से 13 स्टूडेंट को चूज किया था लक्ष्य डिजिटल। बट द टून्स वेबल ऑलरेडी पैक्ड विथ DQ इन हैदराबाद। यू नो द DQ, वन ऑफ द दैट टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमेशन स्टूडियो इन दैट इंडिया एंड Yes, I एशिया। know. तो Yeah. ऑलरेडी वो टाई अप करके रखा था, तो हम लोग सबको उधर लेके गए और उधर जॉब मिल गया। बट सडनली वन थिंग, आई माय सुपरवाइजर सॉ माय स्केचेस एंड ऑल दिस थिंग, ही सेड दैट किशोर, व्हाई नॉट यू आर ट्राइंग ड्राइंग कॉन्सेप्चुअल आर्ट और लाइक हाउ यू आर गेटिंग फ्रॉम द क्लाइंट। तो आई सेड दिस हाउ विल स्टार्ट, बोला टैबलेट मैं देता हूँ ऑफिस के लेके, पेन टैबलेट, यू ट्राई दैट थिंग। सो इमीडिएटली क्या हुआ, उस टाइम में जंगल बुक सीरीज आ गया था 3D ओके डिज्नी के साथ। DQ टाई अप करके जंगल बुक का 50 एपिसोड स्टार्ट करने वाला था। तो मेरा मॉडल इस टाइम में, वो मैं निकलिडियन के साथ काम किया, डिज्नी के साथ काम किया, मैं आयरन मैन का मॉडलिंग किया, जो 2D आयरन मैन हुआ था ना उसमें काम किया। तो सडनली वो जब अपॉर्चुनिटी मिली, मैं स्टार्ट कर दिया जंगल बुक का, जो ट्रीज होता था ना वो ड्राइंग करके लेके आके आप, मैं ही मॉडल करता था, नहीं तो मेरा फ्रेंड मॉडल करता था। ये करके मेरा जो हम लोग का जो 10-20 पीपल का स्टूडेंट टीम था ना, मॉडलिंग टीम, हम लोग ही कर रहा था। और हम लोग ही सेट डिजाइन कर रहा था। सेट डिजाइन मतलब कॉम्पोजिशन कैसे होगा जंगल का। किशोर दा, मैं बीच में आपको इंटरप्ट करूंगा। और एक बहुत, ये जो आप पूरी जर्नी बता रहे हो, इसी में एक और मेरा सवाल है, इसी से रिलेटेड है, जो कि कई स्टूडेंट्स हाँ को अगेन जानना इस पॉइंट पे बहुत जरूरी होगा। कैन यू प्लीज डिफाइन हाँ इन योर ओन वे कि व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्सेप्ट आर्ट? ये कॉन्सेप्ट आर्ट की जो हम बात कर रहे हैं इतनी देर से, ये कॉन्सेप्ट आर्ट है क्या और इसकी जॉब अवेलेबिलिटीज इंडिया में क्या है? आप वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली आई आल्सो वांट टू आंसर दिस थिंग, बिकॉज़ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दोज आर द कमिंग इन द एनिमेशन फील्ड, दे फर्स्ट टाइम दे थॉट अबाउट दिस थिंग दैट कैसे जॉब मिलेगा, कॉन्सेप्ट आर्ट में कैसे प्रोफाइल क्रिएट करते। मैं कॉन्सेप्ट आर्ट इज नॉट लाइक इट इज स्टार्टेड हियर नाउ ओनली। जो केप पेंटिंग होता था पहले, आप प्री हिस्ट्री जो 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 हम लोग ह्यूमन रहते थे केव में रहते था, देखना केव के अंदर भी कैसे, हाउ यू हंट द एनिमल, दे प्रिपेयर्ड फॉर द फ्रॉम देयर ओनली, कि ऐसे हम लोग एक्ट करेंगे, ऐसे रहेगा। सो दे क्रिएटेड कॉन्सेप्ट फ्रॉम देयर एंड, फ्रॉम कॉन्सेप्ट 5000 आर्ट और था, 6000। हमेशा से था कॉन्सेप्ट आर्ट।
हाँ पहले कॉन्सेप्ट मीन्स व्हाट इन योर माइंड अबाउट दैट एक पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट यू हाउ यू कन्वे दिस थिंग. और कॉन्सेप्ट आर्ट अभी जो न्यू मीडियम आ गया डिजिटल मीडियम इसमें तो कॉन्सेप्ट आर्ट इजिली बहुत सारा आपके पास बहुत सारा आइडियाज है आप इजिली क्रिएट कर सकते हो. बहुत सारा हैंडी टूल है जैसे 3D आप स्केच अप यूज कर सकते हो मार्डी यूज कर सकते हो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है आप यूज कर सकते हो बिल्कुल. फोटोशॉप बहुत अच्छे से आ रहा है आर्ट रेंज है कितना अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मांगा स्टूडियो है इजीली आप ड्रॉ सकते हो. आप आपके पास थोड़ा सा भी नॉलेज है अबाउट ड्रॉइंग एंड सॉफ्टवेयर. I'll mention one of the greatest film director name. This is Satyajit Ray. Yes. आपको पता नहीं Satyajit Ray जब movie start किया था उसके पास set design का जब वो पथेर पाचाली movie start किया था उसके पास set design का पूरा script था कैसे घर रहेगा कैसे कैमरा मूव करेगा कैमरा कैसे ट्रैक करके जाएगा काउंटर करेगा एक कैरेक्टर को कैसे एनवायरमेंट रहेगा every storyboard now our director making storyboard but Satyajit Ray that day only started storyboard understand that in India that's why he is a legend kyunki jab main bhi padh raha tha to I remember ye naam bahut aata tha Pathir Panchali ka bahut zyada naam aata tha to main sochta tha ki what is so special about this film isme itna special kya hai but jab pata chala ki ye film bana kaise hai matlab the entire pre production was done by the director और ये हाँ. चीज मतलब इतनी स्पेशल है कि आप बिल्कुल सही बोले आप कि अब जाके आज के इंडियन डायरेक्टर्स वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं वो भी हर कोई नहीं कर रहा होता है हर कोई उस तरह से ना, नहीं कर रहा. I worked on NASCOM in Hyderabad when I was in Hyderabad. एक डाटा आया था 68% वैकेंसी है कॉन्सेप्टर इसमें इंडियन उसमें ओनली 32 employee artist आ रहा है to get that job 68% नहीं है जो लोग नहीं आ रहे so because of that only if you believe or not Philippines से artist आ रहा है Vietnam से artist आ रहा है job के लिए Indian हाँ understand that मैं छोटा सा example बोलता हूँ मैं मिर्जापुर में काम किया मिर्जापुर में जो पीच हो रहा था ना 9-8 मैं पीच करके दिया था फर्स्ट मिर्जापुर जब सीरीज स्टार्ट हुआ उसके कौन से वाले में काम किया आपने फर्स्ट जो सीरीज है ना उसका मिर्जापुर का हाँ हाँ सेकंड नहीं किया फर्स्ट में किया था तो फर्स्ट जब वो लिंक्डइन में मेरा काम देख के उनका जो क्रिएटिव डायरेक्टर है ना वो भी बंगाली है सम घोष आई फॉरगेट द सोइबल घोष और सम So, उसने बोला कि किशोरदा मुझे पता ही नहीं इंडिया में कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ऐसे लेवल में काम करते हैं और किशोरदा ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बताना और सुनाना स्टूडेंट को क्योंकि आज की डेट में एकेडमिक्स में क्या हो गया है कि एवरी इट सीम्स ऐसा लगता है जैसे हर जगह बस वो 3D सेल कर रहे हैं 3D सॉफ्टवेयर और बच्चा भी वही सोच के कि हाँ 3D मार्केट में चल रहा है तो 3D करो कहीं ना कहीं बच्चे को पेरेंट्स को सभी को ये लगता है कि 2D तो खत्म हो चुका है विच इज डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी एस्टोनिशिंग कि लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार ये तो एक खत्म हो गई आर्ट है और अभी जो आपके मुंह से सुन रहे होंगे बच्चे उनसे पता चल रहा होगा कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 2D राइट राइट ना एक्चुअली द इफ यू थिंक अबाउट ऑल दिस एनिमेशन ऑल दिस थिंग्स pre-production of the head of the production if you not इसलिए बाहर का जो जितना स्टूडियो है ना pre-production में ज्यादा importance देते हैं but India I don't know we have lot of things हम लोग क्यों इसको ignore कर रहे हैं we have that is only the problem because 3D modeling करने का पहले आपको pre-production आपको modeling drawing करना पड़ेगा आपको हैंड ड्राइंग आता है एनाटॉमी आता है तभी टॉर्सो आता है तभी जाके आप मॉडलिंग कर पाओगे और क्रिएट सम क्ले मॉडलिंग देन ओनली कैन क्रिएट द मॉडलिंग आप कॉन्सेप्ट आर्ट को इग्नोर करके आप जा नहीं सकते आप प्री प्रोडक्शन को हेट मतलब नेग्लेक्ट करके आप प्रोडक्शन में जा नहीं सकते आप देखोगे आप छोटा भीम बहुत ही फेमस है बट छोटा भीम का क्वालिटी इफ यू कैरी मीन्स बाहर लोगों को दिखाओगे और बोलोगे
they actually laughing on that quality. I'm not negatively, I'm not telling negatively. This is also good production. That is also, there are many people getting job from that studio. But the thing is that we are not reaching that quality what they already in the described in that whole world. तो हम लोग कहाँ पर मिस कर रहे हैं ये जगह बिकॉज ऑफ हम लोग तो वी हैव नो आरएनडी डिपार्टमेंट क्वालिटी कैसे रहेगा क्या कोई किसी को इसके बारे में एक्सपेरिमेंट नहीं है हम लोग जब रेंडमली कर रहे हैं किशोर दा अगर ऐसा है तो अगला क्वेश्चन किसी के भी मन में आएगा स्टूडेंट के मन में आएगा स्पेशली कि अगर ऐसा है तो फिर इज देयर अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया या सारा काम हम फ्रीलांसर करेंगे वही मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ बोलने जा रहा हूँ एक्चुअली मैं अभी एक डाटा दे रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने एक कॉन्सेप्ट का एक रिक्रूटमेंट का एक ये डाला था डेट मैं नहीं लिख पाया ओके 2015 का डाटा है तब वो लोग सैलरी दे रहा था ये माइक्रोसॉफ्ट का गेमिंग का है वो लोग एक सीनियर कॉन्सेप्ट रिक्रूट कर रहा था अमेरिका में उसके लिए वो लोग $120,000 पर एनम उनका सैलरी फिक्स किया था $120,000 डॉलर ये वन ईयर का पैकेज दिया था आप सोच सकते हो कितना होता है मंथली बिल्कुल बिल्कुल वो भी डॉलर में है हाँ डॉलर में और एक सोनी जो लिया था कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट वो भी ऐसा ही $142,000 बट नाउ इट नॉट लाइक दैट आई एम टेलिंग यू इंडिया इज द वन ऑफ नाउ द बिगेस्ट प्लेस फॉर प्री प्रोडक्शन एरिया बिकॉज हियर डबल नेगेटिव लॉट्स ऑफ एनिम ग्राफिक स्टूडियो लाइक दोज आर क्रिएटिंग एफेक्ट्स लाइक टेक्नोकलर है डबल नेगेटिव है ऐसा बहुत सारा स्टूडियो आ गया इंडिया में जो अभी बाहर का काम कर रहा है ओके बाहर का काम मतलब बाहर का जो मूवीज का जो कॉन्सेप्ट आर्ट और ये जो काम होगा ना जो प्रोडक्शन लेवल का काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं तो इसके लिए इनको एवरी डे आई ऑलरेडी गिव द डाटा 60-68% वैकेंसी अभी खाली है इंडिया में कॉन्सेप्ट आर्ट और पता है क्या इंस्टीट्यूट मैं इरिना और जी के साथ बात किया जी का बहुत बड़ा ऊपर का डिपार्टमेंट से भी बोला कि आप लोग क्यों कॉन्सेप्ट आर्ट का पैरेलल डिपार्टमेंट नहीं करते बोलो किशोर तक एक कितना लोग आएगा मेरा कॉन्सेप्ट आर्ट कोर्स के लिए और मैं कैसे मैं एक बंदे को जॉब दूंगा सपोज मेरा 6 स्टूडेंट ज्वाइन किया और मैं एक स्टूडेंट को जॉब दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडियो में क्या होता है 4-5 ही कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट रहते हैं सपोज 2 मैट पेंटिंग रहेगा और 2 कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट रहेगा तो 4 कॉन्सेप्ट और उसकी जगह में उनको 3D आर्टिस्ट चाहिए 30 तो इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि दे प्रेफर दैट दे प्रोड्यूस द 3D मॉडलर बिकॉज 30 उनको जॉब मिलेगा और इंस्टीट्यूट दिखा सकता है कि देखो 30 न्यू आर्टिस्ट को मैं जॉब दिलाया हाँ वही बात एंड कॉन्सेप्ट इनके वो ज्यादा फोकस्ड है हाँ तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है नो कोई भी आज तक इंडिया में कोई भी कॉन्सेप्ट आर्ट और विजुअल डेवलपमेंट का स्टूडियो नहीं है मैं गारंटी से बोल रहा हूँ किशोर दा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन टेलिंग ऑल माय स्टूडेंट्स जहां जहां भी मैंने पढ़ाया है जहां भी मैं गया हूँ आई ऑलवेज गाइड द स्टूडेंट्स कि आप सॉफ्टवेयर के पीछे मत भागिए बिकॉज यूजुअली यही तो हम देखते हैं कि पब्लिसाइज ही 3D को किया जाता है हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है और वो 2-3 नाम है जो कि कई सालों से चले आ रहे हैं ऑलमोस्ट फॉर द लास्ट 2 decades वही सॉफ्टवेयर के नाम चले आ रहे हैं मैं मानता हूँ कि वो अच्छे हैं अगेन मैं कोई नेगेटिव पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ उसके कि वो खराब है बट ये जो ड्राफ्टमैनशिप है ये हमेशा कुछ आर्टिस्ट तक लिमिटेड रह जाती है क्लास के कुछ स्टूडेंट्स तक लिमिटेड रह जाती है उनको वो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है कि अरे यार इस चीज को करते हैं ये भी तो हमारा कैरियर बन सकता है ज्यादातर स्टूडेंट्स ये सोच के रह जाता है अनफॉर्चुनेटली कि 3D इज द फ्यूचर तो 3D ही करो और वो 3D करने के चक्कर में लाइक क्लास का अगर 30 स्टूडेंट्स है मान लो किसी एक क्लास में
तो उस 30 में से हार्डली लाइक 4 to 5 स्टूडेंट्स होगा जो कि कर रहा होगा, और वो बेचारा भी प्रोबेबली इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उस क्लास की रिक्वायरमेंट है, उस बेचारे को भी नहीं पता होता है कि आगे क्या कर सकते हैं उससे, विच इज रॉन्ग। एक्चुअली मैं आपका पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि 3D पता चल, कॉन्सेप्ट आर्ट में भी 3D चाहिए, ब्लेंडर चाहिए, स्केच जो गूगल स्केचअप है वो जानना चाहिए, आप माया जानना चाहिए, बिकॉज मैं भी करता हूँ। मेरा हेल्प क्या हुआ, मैं 3D 3 इयर्स का 3D एक्सपीरियंस है और अभी भी मैं 3D हेल्प लेता हूँ जब स्टेज बनाता हूँ। बहुत सारा गेम का मैं फ्रीलांस किया है, उन लोग स्टेजिंग मांगता है कैमरा, जो मैं ड्राइंग से नहीं कर सकता, रॉन्ग होगा। मैं गेम LPU स्टूडेंट को भी सिखा के आया कि कैसे स्टेजिंग कर, फोटोशॉप से जो नहीं हो पा रहा है, पर्सपेक्टिव रॉन्ग आ रहा है, वो आप गूगल स्केचअप नहीं तो ब्लेंडर नहीं तो माया से करके आप वो स्टेज क्रिएट कर सकते हो, कैमरा एंगल क्रिएट कर सकते हो और उसके ऊपर आप कर सकते हो विद लाइटिंग। मैं एक आर्टिस्ट का नाम बोल रहा हूँ, आप नोट इट डाउन प्लीज, ये नाथन फॉक्स बोल के एक आर्टिस्ट है जो एल्डोराडो, अभी रियो मूवी, जितना भी वन ऑफ द फेमस मूवी जो है ना वर्ल्ड का एनिमेशन, उसमें काम करता, एज है 62, उसका एज है 62, नाथन फॉक्स। अभी भी मेरे से अभी फेसबुक में कभी कभी बात होता है, अभी फेसबुक में है वो, मैसेज करेगा आप, मैसेज का आंसर भी देगा, वो ऑनलाइन रहता है कभी कभी, स्कूलिज्म का वो टीचर है। ओके, नाथन फॉक्स एवरी डे 1600 to 2000 ड्रॉइंग और स्क्रिबलिंग करते हैं, आप सोच सकते हो 62 एज है, एवरी डे 1600 ड्रॉइंग करता है, छोटा छोटा कॉम्पोजिशन करता है, स्टोरी बोर्ड करता है, एनवायरमेंट डिजाइन करता है। वो नॉट ओनली डिजिटल आर्ट विद द ऐप, ओपेक आर्ट पोस्टर कलर से करता है, ओपेक से करता है, गुआस से करता है, आप सोच सकते हो इतना एज में वो अभी, ही इज नॉट, ही ऑलरेडी इज वन ऑफ द फेमस ग्रेट आर्टिस्ट एक्चुअली, सब फॉलो करता है नाथन को, नाथन इज द पीपल मैड, आई एम ऑल्सो मैड फॉर हिज वर्क। Still, he is 1600 to 2000 sibling करते हैं। कौन सा जूनियर है कि वो, मैं बहुत ही गेम्स, मतलब मैं LPU में जब गया मैं पागल करके रख दिया कि जो लोग प्री प्रोडक्शन में मेरा कॉन्सेप्ट आर्ट उसमें आता था, मैं बोलता हूँ डायरी, पहले तो एक नोटबुक खरीद अपना, वो कैरी कर, नोटबुक पेंसिल पॉकेट में रहना चाहिए, बिल्कुल, अदरवाइज यू कांट विजुअलाइज द थिंग। जब भी बस स्टैंड पे बैठे हो ड्राइंग करो, गांव में गए हो वैकेशन में जाके कुछ भी स्टोरी बोर्ड और कुछ भी स्टिल लाइफ स्टडी करो, बिल्कुल, कुछ भी लाइटिंग सोर्स स्टडी करो, कैसे आ रहा है लाइटिंग, पोर्ट्रेट स्टडी करो, हैंड पोजेस स्टडी करो, एवरीथिंग, नेचर जाके ट्रीज को ड्रॉ करो, तभी जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और आप मूवी जब मूवी देख रहे हो, फॉरेन मूवी, अरे मैं अभी एक सुपर हीरो का मूवी देख के आया, बैटमैन का मूवी देख के आया, सब मूवी, बट मूवी देखो और कॉम्पोजिशन स्टडी करो, एक एक फ्रेम को स्टॉप करके स्टडी करो, तभी जाके हो, इफ यू सीरियसली कम टू दिस वर्ल्ड। अभी इंडिया में मैं आई एम नॉट जोकिंग, इफ यू चेक दैट लिंक्डइन में, अभी ये सिचुएशन में भी 100 जॉब है कॉन्सेप्ट आर्ट स्टोरी बोर्डिंग और 2D आर्टिस्ट का, आप चेक करो लिंक्डइन, आप चेक करो ग्लासडोर, they are prepared for getting the Baiju, abhi 30 to 40 artists recruit kare Baiju, abhi 30 to 40 artists recruit karega, kahan se milega wo artist? Main as usual on behalf of the entire team of the drawing house आपका बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और हमें अपना ये वैल्यूबल टाइम दिया। थैंक यू सो वेरी मच किशोदा for coming here, for accepting the invitation. बहुत दिन के बाद ऐसा बात कर रहा हूँ ना इसको लेके, तो normally काम देखता हूँ, check करता हूँ, company में meeting चलता है, तो ये थोड़ा अलग बात हो गया, हम लोग के area का बात हो गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। Special thanks for समय to give the opportunity to talk with you. अरे नहीं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए था कि आप जैसा सीनियर आर्टिस्ट हमारे पास आया है, दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ऑलराइट देन, श्योर मिलेंगे, चलिए, गुड बाय, take care. Bye-bye.